क्रिया आ रही थी तो मैं सोचती जो पहला मिला तो हाथ में जितना इतना बड़ा बड़ा गेंदा डाल रही है, गेंदा का फूल बना रही है। Welcome everyone to my YouTube channel. हेलो सबको और हैप्पी नवरात्रि सभी को। आपको पता ही है नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है और हम घर आ चुके हैं। हम कहीं और थे, हम आउट ऑफ टाउन थे थोड़ा कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो अब हम घर आ चुके हैं और आज नवरात्रि है और मम्मी और पापा दोनों का फास्ट रहता है। मम्मी यहाँ है नहीं अभी, मम्मी बाद में आएगी, मम्मी कोलकाता से बाहर है, पापा हैं, तो मैं इसीलिए मैं आपको आज दिखाऊंगी कि मैं पापा को नवरात्रि में, नवरात्रि के फास्ट में उन्हें क्या क्या खिलाती हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन सब में, और बीच में जो भी स्नैक्स वगैरह जो मैं बनाती हूँ और मैं कैसे बनाती हूँ और क्या बनाती हूँ, तो आज वो ही देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ एकदम कुरकुरी भिंडी और फाफड़ के आटे के पकौड़ी। हाँ, तो जो कुरकुरी भिंडी, आप ये मत सोचना कि कुरकुरी भिंडी में कैसे बनाऊँगी, उसमें बेसन जैसा पड़ता है, नहीं। मैं उसको एकदम ही फास्ट के लिए, जैसे फास्ट में जैसे बनता है, जो चीज़ फास्ट में यूज़ होती है, व्रत में, वो चीज़ यूज़ करके मैं बनाऊँगी। तो आप देखो मैं कैसे बनाती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ इसे, क्योंकि पहले भिंडी अगर बनाऊँगी तो उसके जो दाने हैं वो रह जाएंगे, इसलिए सबसे पहले मैं इसको फ्राई करके हटा लूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी भिंडी को। देखो छोटे छोटे ये वाले क्रिस्पी बॉल्स रेडी हो गए थे और अब बारी थी मुझे बनाने की कुरकुरी भिंडी। हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी और अब मैं जा रही हूँ इसको पापा को देने के लिए, और पापा इससे भगवान जी को भोग लगा रहे हैं और उसके बाद ही वो से टेस्ट करूँ। तो ब्रेकफास्ट होके काफ़ी टाइम हो चुका है और अब मैं बनाने जा रही हूँ पापा के लिए फास्ट व्रत वाला लंच। उसके लिए मैं बनाऊँगी साबूदाना की खिचड़ी, प्रॉपर खिचड़ी होगी, वो ऐसा नहीं कि वो भूज दूँगी साबूदाना और फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रॉपर खिचड़ी बनाऊँगी, पानी वानी डाल के कम से कम। तो बन रहा है भूज, घी में मिर्ची और आलू भूज दूँ और अब मैं इसमें साबूदाना ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी, फिर बनाऊँगी। लंच भी रेडी हो चुका है, मैं जा रही हूँ पापा को देने और अब हम आपको मिलेंगे डायरेक्ट डिनर पे। मैं फिर आ चुकी हूँ और अब बारी था डिनर का। तो पापा को कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने हैवी लंच और ब्रेकफास्ट कर लिया था और बोला उन्होंने फास्ट ही कर रहा है, मुझे इतना पेट मत भरा। तो इसीलिए फिर मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैं क्या बनाऊँ। तो फिर कोई मतलब एक गेस्ट आ गए, तो इसीलिए मैंने फाफड़ के पकौड़े बना दिए, फाफड़ के आटे के पकौड़े। उसमें मैंने साबूदाना और आलू ऐड कर दिया था थोड़ा उसे हेल्दी बनाने के लिए, तो उसमें मैंने वो बना दिया, तो जिससे मैं दोनों को दे सकूँ, जिनका फास्ट है उनको भी और जिनका नहीं है उनको भी। तो मैं कुछ ऐसे बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे फाफड़ के आटे के पकौड़े, छोटे छोटे, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें मैंने ये है इसका जो बोलते हैं उसको, वो है वो, और ये है टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बहुत ही सिंपल होती है, बहुत टेस्टी लगती है सब चीज़ों के साथ। उसके अंदर कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ मिर्ची और सेंधा नमक डाला है। और ये पकौड़े की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी बनता है और आप उपवास के दिन भी और नॉर्मल दिन में भी इसको बना के खा सकते हो। मैं बनाते बनाते थोड़ा सा थक गई थी, तो मैंने सोचा इस कामचोर से कुछ कराया जाए, तो ये कर रही है, आप देख ही सकते हो। और इतना बड़ा बड़ा बॉला डाला, मैंने बोला छोटे छोटे बॉल्स डाले, अरे बॉला ये ना गई बाहर, तो जब तक ये बोली मैं जब तक आती हूँ तब तक डाल, तो मैं आधा घंटा अपना हेयर बांधने में लगा दी, हाथ धोने में, तो मैं फ्री आ रही थी, तो मैं सोचती जो पहला मिला हो तो हाथ में जितना इतना बड़ा बड़ा गेंदा डाल रही है, गेंदा का फूल बना रही। और आगे ये मतलब इसका शक्ल, और ये देखो होली वाले कपड़े पहना है इसको, शकल देख के लगा कितने साल से काम कर रही है, बट अभी अभी घुसी है किचन में और मेरी शक्ल पूरा फ्रेश एंड नाइस लग रही है। जैसे लग रहा है कि मैं अभी अभी एंटर हुई हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ते बनाकर खिला भी दिया है। ये मेरा बिंदी जैसा क्यों, इसको मेंटल देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो उसने पकौड़ी बना दी। वो अलग बात है उसके शेप थोड़े बड़े हैं, बड़े अलग। अब बेढंगे उसको पकने तो दो, अब बेढंगे घुमाई जा रही है भाई, बनने दो। अब बेढंगे शेप की मैंने बना दी है। बेढंगे क्या है? अब बेढंगे ठीक है, हम स्टाइल बोलने का क्या जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे रात को, मतलब अभी रात ही है और सीधे टाटा बाय बाय के टाइम। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं और इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर वॉचिंग आवर फुल ब्लॉग एंड फुल वीडियो। एंड हमें ऐसे देखते रहिए और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। इसके जो छोटे हेयर मैंने किए थे, अब इससे ये खुश है काफ़ी, अभी बड़े हो गए हैं। और हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।